हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है जाति व्यवस्था के दुष्कार्य या अकार्य। जिस प्रकार पिछले टर्म पे आपने जाति प्रथा के प्रकारियों या कार्यों के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से जाति के कुछ दुष्कार्य हैं। इस संबंध में पणिक्कर, शेरिंग, बॉस, रॉस आदि विद्वानों ने जाति व्यवस्था के दुष्कार्यों का उल्लेख किया है। पहला पॉइंट है सामाजिक दुष्कार्य। सामाजिक दुष्कार्य इसका मेन प्रकार इस प्रकार से है कि जाति अपने सदस्यों पर पूर्व में कई सारे प्रतिबंध, जैसे व्यवसाय संबंधी, विवाह संबंधी, खान पान संबंधी, सामाजिक सेवा संबंधी कई सारे प्रतिबंध जाति ने अपने सदस्यों पर लगा रखे थे, जिसके कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई और जाति व्यवस्था के कारण कई सारी हानियां भी हुई, जिसमें पहला पॉइंट है निम्न जातियों का शोषण। निम्न जाति प्रथा के नियमों के कारण निम्न जातियों पर अनेक प्रकार के, जैसे धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रतिबंध थे, और जिसके कारण कई बार उच्च जातियों द्वारा इनका शोषण किया जाता था। तो जाति प्रथा का एक दोष ये था कि खासकर निम्न जातीय के लोगों को, उनको उचित पारिश्रमिक यानी जो वो काम करते थे उसकी सही मजदूरी नहीं मिलती थी। कई उच्च जातियाँ उनसे बेगार में काम करवाती थी और काफ़ी लंबे समय तक उनका शोषण किया जाता रहा। दूसरा पॉइंट है सामाजिक प्रगति में बाधक। जाति प्रथा का एक दोष या जाति प्रथा का एक दुष्कार्य यह भी माना जाता है कि जाति प्रथा के कारण कई सारी समाज में जो प्रगति होनी थी उसमें भी बाधाएं उत्पन्न हुई। खासकर जैसे जाति प्रथा में ये नियम था कि जो जिस जाति में जन्म लिया है उसको उन्हीं प्रकार के कार्यों को करना पड़ेगा, जिसके कारण कई बार व्यक्ति अपना विकास भी नहीं कर पाता था और समाज की प्रगति में भी अपना योगदान नहीं दे पाते थे। नेक्स्ट है सामाजिक विघटन। जाति प्रथा के कारण समाज में कई सारे विघटन की समस्या, यानी समाज जो है विघटित हुआ। यद्यपि समाज विघटित होने के कारण ही ब्रह्म समाज, आर्य समाज, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कबीर पंथ, लिंगायत आदि कई सारे समाज जाति की इस दोष के कारण ही उत्पन्न हुए थे और जिससे समाज अनेक भागों में विघटित हो गया था। कई सारी जातियां भी या कई सारी जातियां या उपजातियों में बटी हुई थी। जैसे राजपूत है तो राजपूतों में भी कई सारी अलग अलग जातियां, राणावत है, चुंडावत है, शक्तावत है। इसी प्रकार से निम्न जाति में देखेंगे तो कोली है, महावर्ष जाति है, रेगर है, ये अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। इसी प्रकार से ब्राह्मण जाति में शर्मा, मिनारिया, राजोरा ये जातियों में बटे हुए हैं। यानी कि जाति के प्रथा के कारण समाज में जो है विघटन की समस्या भी उत्पन्न हुई। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी। जाति प्रथा का एक दोष ये भी माना जाता है या दुष्कार्य ये भी है कि जाति प्रथा के कारण समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, कुलीन विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, अस्पृश्यता, छुआछूत आदि की कई सारी समस्याएं समाज में उत्पन्न हुई और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जाति प्रथा के प्रतिबंधों को माना जाता है। खासकर जैसे जन्म पर आधारित जाति की सदस्यता, जाति के अंतर्गत ही विवाह करना, व्यवसाय पर प्रतिबंध, खान पान पर प्रतिबंध, इस सब के कारण ही समाज में ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, जो कि जाति का एक और दुष्कार्य है। नेक्स्ट है महिलाओं का शोषण या स्त्रियों का शोषण। जाति व्यवस्था ने
के कारण महिलाओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध थे, खासकर बाल विवाह के कारण उनका शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास तथा उनका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता था। विधवा विवाह पर भी प्रतिबंध था। पति, सास, ससुर की सेवा, पालन पोषण करना ही महिलाओं का जीवन था और जाति में सबसे अधिक महत्व पुरुष को दिया गया था, जिसके कारण स्त्रियों की स्थिति काफ़ी ख़राब रही और कई बार उनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये माना जाता है कि जाति इस महिलाओं के शोषण में जाति की भी भूमिका या जाति का एक दुष्कार्य रहा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। जाति के प्रतिबंधों के कारण कई बार व्यक्ति अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता, रुचि, परिश्रम, शारीरिक क्षमता के अनुसार न तो व्यवसाय कर पाता था और न ही अपने गुणों का विकास करके अपने स्वयं का भी और समाज का भी विकास नहीं कर पाता था। खासकर जब निम्न जाति के कुछ योग्य युवक भी अपना गुणों का विकास नहीं कर पाते थे और उन्हें समाज में जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था। तो जाति व्यवस्था में इस प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण खासकर निम्न जाति के लोग आलसी भी हो गए, भाग्यवादी हो गए और वह अंधविश्वासी भी हो गए और वे मानते थे कि चूंकि हम निम्न जाति में पैदा हुए हैं अतः हमारा को यही कार्य करना है। तो जाति की व्यवस्था का एक दोष ये भी था कि कई बार व्यक्ति की पर्सनैलिटी यानी कि उसका व्यक्तित्व का विकास भी नहीं हो पाया। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता में बाधक। जाति व्यवस्था में व्यक्ति को चूंकि सदस्यता जन्म के आधार पर मिलती थी, पूर्व में आपने पढ़ा था, परिभाषाओं में भी पढ़ा है, इसके कारण कई बार ईमानदार, योग्य व्यक्ति, कर्तव्यपरायण व्यक्ति निम्न जाति से उच्च जाति की ओर सदस्यता या उच्च जाति की ओर मूव नहीं कर सकता था, यानी गतिशील नहीं हो सकता था। इस कारण से समाज में जो है जाति प्रथा ने गतिशीलता में बाधक के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रगति में बाधक। जाति व्यवस्था का एक दुष्कार्य यह भी माना जाता है कि जाति के कारण कई सारे सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास भी हुआ और जाति व्यवस्था जो है समाज को या उसके सदस्यों को रूढ़िवादी बनाती है, नवाचारों का और परिवर्तनों का विरोध करती है। तो और समाज को अंधविश्वासी तथा पाप पुण्य में विश्वास करने लायक या इस प्रकार की विचारधारा की ओर उनको अग्रसर करती है। ये जाति प्रथा का एक और दोष है। नेक्स्ट है धार्मिक दुष्कार। धार्मिक दुष्कार में भी तीन प्रकार के जाति के दोष हैं। पहला है समाज की अफीम के रूप में। अफीम के रूप में का मतलब है कि जाति व्यवस्था में धर्म के मूल्यों पर आधारित है, जैसे कर्म है, पुनर्जन्म है, पाप पुण्य की अवधारणा है, पवित्रता अपवित्रता की अवधारणा है, भाग्यवादिता की अवधारणा है। तो इन मूल्यों पर विश्वास करने के कारण व्यक्ति समाज के लिए, व्यक्ति और समाज के लिए जाति जो है एक अफीम की तरह कार्य, यानी कि व्यक्ति को एक तरह से जिस प्रकार से अफीम खाने से नशा हो जाता है, उसी प्रकार से जाति के इन नियमों या विश्वासों या प्रथाओं के कारण व्यक्ति जो है अफीम जैसा कार्य करता था। इसलिए विद्वानों ने जाति का एक धार्मिक दुष्कार्य जो है समाज की अफीम के रूप में माना है। नेक्स्ट है धर्म परिवर्तन। जाति प्रथा का एक बहुत बड़ा दोष या दुष्कार्य ये भी रहा है कि जाति प्रथा के नियमों के कारण या प्रतिबंधों के कारण खासकर निम्न जाति के लोगों ने अपना धर्म भी परिवर्तन किया और कई निम्न जाति के लोगों ने इस्लाम या बौद्ध धर्म को या जैन धर्म को भी अपनाया। इतिहास में ये सब आपने पढ़ा होगा कि कई सारे जो भारत के निम्न जाति के लोग थे उन्होंने जाति के प्रतिबंधों या जाति व्यवस्था के कारण ही अपना धर्म को परिवर्तन कर लिया। नेक्स्ट है ब्राह्मणवाद। जाति का एक दुष्कार्य ये भी माना जाता है कि जाति प्रथा के अंतर्गत चूंकि ब्राह्मणों को सर्वोपरि माना जाता है
और सारे विशेषाधिकार उन्हीं के पास सुरक्षित हैं। इस कारण भी जाति के कारण अन्य जातियों को पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है और जाति का यह एक और दुष्कार है। नेक्स्ट है आर्थिक दुष्कार। आर्थिक दुष्कार भी कई प्रकार के हैं, जैसे पहला है आर्थिक विकास में बाधक। जाति प्रथा के कारण ही व्यक्ति को, परिभाषा में भी देखा होगा कि वंशानुगत व्यवसाय या कार्य करना पड़ता था, और जैसे खासकर गांव में अगर कोई व्यक्ति खेती का कार्य कर रहा है या कृषि का या दर्जी का या चमड़े का कार्य या जूते बनाने का कार्य या कुम्हार का कार्य कर रहा है तो उसको वही कार्य करना पड़ता था, जिसके कारण से न केवल उस व्यक्ति का विकास बल्कि उस गांव और समाज का भी विकास जो है खासकर आर्थिक दृष्टि से नहीं हो पाता था। और इन जातिगत प्रतिबंधों के कारण ही भारत में कई बार देखा होगा उद्योगों में, कारखानों में, मीलों में कुशल श्रमिक नहीं मिल पाते थे। नेक्स्ट है कार्यकुशलता में बाधक। जाति प्रथा का एक दोष ये भी है कि जाति की नियमों के कारण व्यक्ति को जो है अपनी कार्यकुशलता दिखाने का कई बार मौका नहीं मिलता, क्योंकि उच्च जाति का सदस्य तो कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन निम्न जाति के सदस्य इसलिए निष्क्रिय हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उच्च जाति की तरफ से कोई सहायता या प्रोत्साहन नहीं मिलता, जिससे उनकी कार्यकुशलता प्रभावित होती है। जाति का एक दोष ये भी है कि कई बार व्यक्ति अपनी कार्यकुशलता को सही ढंग से नहीं दिखा पाता। नेक्स्ट श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक। भारत की वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 70% जनसंख्या अभी भी गांव में निवास करती है, और लेकिन ग्रामवासी जाति प्रथा के प्रतिबंधों के कारण किससे जुड़े हुए हैं, पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस कारण श्रमिक जो है कई बार गांव छोड़कर शहरों की ओर नहीं जाते, तो जो है उसके कारण भी श्रमिकों की स्थिति खराब रहती है। ये भी एक जाति का प्रथा का दोष है। नेक्स्ट है राजनीतिक दुष्कार। भारत में जाति प्रथा का सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुई है यह दोष है वो राजनीति में रहा है। कई बार देखा होगा कि राजनीति यानी खासकर जब चुनाव होते हैं या इलेक्शन होते हैं, और खासकर गांव में जब सरपंच के या पंच के चुनाव होते हैं, तब जातिगत आधार पर ही ये चुनाव लड़े जाते हैं, और उसमें टिकट भी देखा होगा कि जाति के आधार पर दिया जाता है, जिससे कई बार राजनीतिक द्वेषता या इवन पर्सनल द्वेषता या कटुता उन दोनों जातियों के बीच उत्पन्न हो जाती है। ये जाति प्रथा का एक बहुत बड़ा दोष है। नेक्स्ट है जाति प्रथा राष्ट्रीय एकता या प्रजातंत्र में भी बाधक रही है। जैसे इसका पहला पॉइंट है जातिवाद। जाति प्रथा ने भारत में सबसे अधिक जो बढ़ावा दिया है जातिवाद को दिया, और इस जातिवाद के बढ़ावे के कारण ही देखा होगा आपने हर समाज के अपने अपने अलग संघ बने हुए हैं। जैसे जाट समाज का अपना अलग संघ है, गुर्जर समाज का अलग है, राजपूत समाज का अलग है, कोली समाज का अपना एक अलग संघ है, रेगर समाज का अलग है, ग्वाला समाज का अलग है, ब्राह्मण समाज का अपना अलग है, अग्रवाल या महेश्वरी समाज का अपना एक संघ बना हुआ है। और जब चुनाव होता है या कोई भी चुनाव लड़ा जाता है तो इसी जाति के आधार पर व्यक्ति का चुनाव लड़ा जाता है, जिसके कारण भारत में यह जातिवाद को काफ़ी बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट है जातीय प्रतिबंध। जाति प्रथा का एक दोष ये भी है कि जाति प्रथा में जाति प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, खासकर जो व्यक्ति अपनी जाति से अगर अलग हटकर कार्य करता है, और जिसके कारण राष्ट्रीय एकता में भेदभाव या अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है जातीय भेदभाव। चूंकि जाति प्रथा में सदस्यों के बीच ऊंच नीच, छुआछूत, पवित्रता अपवित्रता, मूल्यों में भेदभाव आदि की नियम हैं, और इन्हीं नियमों के कारण राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर किया जाता है, या इसी के कारण हमारी राष्ट्रीयता भी कमज़ोर हुई है,
जाति प्रथा ने ही लिंग, जन्म, व्यवसाय, धर्म और विवाह के द्वारा भी भेदभाव किया है, जिसके कारण राष्ट्रीय एकता में बाधक या बाधा उत्पन्न हुई है। इसीलिए कई बार देखते हैं कि जाति को लेकर आपस में कई बार